बेबिका ने एक बार दोबारा से जिया और अविनाश दोनों की पोल खोल दी है, और यही नहीं बल्कि बेबिका ने सिर्फ जिया की ही नहीं बल्कि अविनाश की भी बातें की हैं। और ये बात वो एक ऐसे कंटेस्टेंट के सामने कर रही हैं जिन्होंने अपना इमेज ही सच्चाई की मूर्त के तौर पर बनाया है, ऐसा जनता कहती है। बात कर रहा हूँ पूजा भट्ट की। तो पूजा भट्ट और बेबिका जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, वो भी जिया और अविनाश के बारे में। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो शायद सुनकर अगर जिया उसको सुन ले, अविनाश सुन ले, तो कहीं ना कहीं दोनों ही ऑफेंड हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या बात है ये, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही लाइक अगर पूजा भट्ट जो है इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही हैं बिग बॉस के घर में। क्लियरली बहुत अच्छा खेल रही है लेकिन कहीं ना कहीं उनका गेम जो है अब थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, क्योंकि जनता का ये मानना है कि वो जिसको सपोर्ट कर रही हैं वो बिल्कुल भी गलत है, और ये जिसको सपोर्ट की बात की जा रही है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही है पूजा भट्ट, वो कोई और की बेबिका है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो जो बेबिका को सपोर्ट कर रही हैं, वो जिस तरीके से बेबिका का समर्थन कर रही हैं, उस वजह से बेबिका को और भी ज़्यादा पढ़ निकल आया है, वो और भी ज़्यादा लोगों को उल्टा बोल रही है। और वहीं बात करें बेबिका की तो यार मुद्दा सही रखकर भी लोग उनको गलत मान रहे हैं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका या फिर वे ऑफ प्रेजेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गलत लगता है और बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाता है आगे चल के। तो देखा जाए तो जो बेबिका है वो बात करती हैं पूजा भट्ट से जिया के बारे में। वो कहती हैं कि यार ये जात बेटी बेटी बोलता है, और मतलब बोलता है कि मैं बेटी हूँ बेटी हूँ। जिया भी बोलती है कि मैं उसकी बेटी हूँ, लेकिन 2 वीक के बाद ही देखा था कि कैसा अलग रहती है जात के साथ, उसके बालों को टच करना, उसको टच करना, उसके साथ फ्लर्टिंग करना, ये कहीं से भी बेटी बेटी वाला रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और उसके बाद पूजा जो है वो फिर भी बेबिका के बाद बोलती है कि खैर ये सब बात छोड़ो लोग, पूजा जो है कहती है कि ये बात छोड़ो लोग कुछ बोलते हैं उन्हें ही नहीं समझ आता है कि वो क्या बोलते हैं, जाने दो, इतना जजमेंटल मत बनो, डोंट बी दिस जजमेंटल। उसके बाद अविनाश के बारे में बोलती है बेबिका कि अविनाश के लिए बोलती है वो कि मुझे उसकी कंपनी बहुत सड़ू लगती है, मुझे तो उसके साथ दो मिनट भी नहीं रहा जाता, और हम इतना बोर हो रहे हैं तो सोचो फिर ऑडियंस कितना बोर हो रही होगी बाहर अविनाश का गेम देखकर। इसके बाद फिर भी पूजा जो है बेबिका को चुप करवाती हैं। लाइक क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अब जो है पूजा भट्ट भी ये चीज़ समझने लगी कि बेबिका कहीं ना कहीं गलत जा रही हैं उनकी वजह से। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।